आज हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब जैसे एक मैट्रिक्स ये है 5 6 7 8, और एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4। इन दोनों को ऐड अगर हम करें ए प्लस बी तो कैसे होगा, 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, ऐसे। तो ऐड हो गया तो क्या बनेगा, 5 + 1 6 + 2 7 + 3 और 8 + 4। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया 6 8 10 और 12, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस बोला तो क्या हो गया, 5 6 7 8 - 1 2 3 4। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, 5 - 1 6 - 2 7 - 3 8 - 4, तो क्या आ गया, ये आ गया 4, और ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 बाहर ले लिया सब में से, तो 1 1 1 1, ठीक है। अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स में, जैसे मुझे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 - 1 और 4, तो मैं कहता हूँ कि फाइंड करो 2A क्या होगा। तो 2A में आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को 2 से इनटू कर लिया, 2A मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से, 2 2 इंटू 2 4 - 2 4 2 8, सिंपल। तो आप नोट लिख लिया, नोट क्या है, एडिशन ऑब्लिक पहला सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब एग्जांपल, जैसे मैंने ये बोला कि ए, इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 by 3, देन एंड ए प्लस बी इज, ए प्लस बी इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब इनका एडिशन पॉसिबल है। तो फाइंड करिए, ऑर्डर ऑफ बी। तो हमें बताना है कि बी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने बोला कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पर हमने बोला ये डिफाइंड है, तो डिफाइंड है इसका मतलब कब डिफाइंड है, जब बी का भी ऑर्डर सेम होगा, यानी ऑर्डर ऑफ बी इज सेम, वही 2 by 3, सही है। फिर सेम ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी कह सकता है। सेकंड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये लिख लिए और समझ लिए,
मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव, दिस इज़ फॉर कम्यूटेटिव, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सही है। तो ब्रैकेट चेंज हो गया, बस पहले दो में लगा था फिर आखिर के दो में, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव, जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, सही है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमें कह रहा है कि फाइंड करिए एक्स एंड वाई, और ऐसे मुझे दिया हुआ है 2x 5 7 y-3 प्लस यह है 3 -4 1 2, ये इक्वल है 7 6 15 और 14 के। तो आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है तो पहले हर एक एलिमेंट को 2 से इंटू करो, 2x, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 2y-6, करेक्ट, प्लस इसको सेम रखते हैं फिलहाल 3 -4 1 2 इक्वल्स टू 7 15 6 14। तो अब क्या, अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो गए, 2x + 3 10 -4 14 + 1 2y-6, और ये एज इट इज 7 15 6 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंपेयर करो, देखो ये तो मेरा 6 आ रहा है, ये और ये इक्वल हैं, ये 15 आ रहा है, ये और ये इक्वल है, तो 2x + 3 7 के इक्वल हो गया, और 2y-6 14 के इक्वल हो गया, यानी यहाँ से क्या आ गया, 2x = 4, तो x क्या आया, x = 2, और यहाँ से क्या आ गया, 2y = 20, और y क्या आ गया, 10, तो यही मेरा आंसर आ गया, दोनों x आ गया y आ गया, सही है।